नमस्कार आप सभी का पुनः स्वागत है पिछले सत्र की परिचर्चा में हमने याचिक चरों के कुछ फलनों के विस्तरण के बारे में चर्चा की थी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष द्वियाचिक चरों के द्विफलनों के रूपांतरण की के प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाती है इसके बारे में चर्चा प्रस्तुत करूंगा। तो आइए चर्चा को शुरू करें एक पहले उदाहरण से जो कि इस प्रकार है यदि हमें दो याक्षिक्षर जिन्हें कि x और y से इंगित किया गया है जिनके बारे में ये पता है कि ये स्वतंत्र प्रसामान्य याचिक्षर हैं शून्य औसत मान और समान विचरण वाले जिसको हमने सिग्मा के दो से निर्दिष्ट करते हैं तो अगर ऐसे दो चर हमें दिए हैं और हम कोई दो अन्य चर को परिभाषित करें जिन्हें कि प्रश्न के अनुसार आर और थीटा से इंगित किया गया है और इनकी संबंध आपस में पूर्व जो याचिकचर है और नए याचिकचर में संबंध आपके सामने लिखा हुआ है कि ये संबंध है एक्स और वाई याचिक चरों और आर और थीटा चरों में तो प्रश्न में यह पूछा गया है कि क्या होगा संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन या याचिक चरों के लिए तो आपको पहले से ही विदित है कि हम अपनी परिचर्चा में जब याचिक चर को इंगित करना होता है तो उसे आंग्ल भाषा के बड़े अक्षरों से या ग्रीक जो हमारे चिन्ह हैं उनके भी बड़े अक्षरों से हम उसे चिन्हित करते हैं और याचिक चरों का मान को हमने छोटे अक्षरों से किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह याचिक चर है यह याचिक चर के कई विशेष मान को इंगित कर रहा है तो आइए इस प्रश्न का हल हम कैसे ढूंढेंगे इसके बारे में चर्चा करें जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि अगर किसी दो याचिक चरों का कोई फलन दिया है तो उससे प्राप्त होने वाला याचिक चर के प्रायिकता घनत्व फलन या प्रायिकता विचरण फलन को हम कैसे निकाल सकते हैं ये चर्चा हमने करी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें दो फलन लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं एक फलन ये जो है हमें याचिकचर आर देता है और दूसरा फलन हमें याचिकचर थीटा देता है और हमें ज्ञात करना है संयुक्त प्रायिकता घनत्व आर थीटा नए जो है यात्रिकचरों का तो आइए हम देखें कि हम इस प्रश्न का हल कैसे निकाल सकते हैं पहला तो यह है कि अगर हमें यह दिया हुआ है प्रश्न में कि दो स्वतंत्र चर हैं ये हमें दिए हैं और उनका प्रायिकता घनत्व फलन भी वो दोनों चर प्रसमान या आंग्ल भाषा में जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं वो प्रसामान्य छिक्चर है और यह भी बताया गया है कि उनका औसत शून्य है और वो दोनों का विचरण जो है वो समान है तो इस दशा में जो संयुक्त प्रायिकता घनत्व फल होगा या तिक्चर एक्स वाई का वो हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं जैसा कि आप को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे याचिक चरों का मान शून्य है और दोनों के विचरण बराबर हैं तो इस तरह से यह फलन हमें इस तरह लिख सकते हैं अब हमें यह दिया है कि इन याचिक चरों का कुछ रूपांतरण किया है आइए पहले हम गणना करें कि जो हमें संबंध दिया है दो याचिक चरों में वो किन रूपांतरण फलनों को इंगित करता है उसे परिभाषित करें तो आप देख सकते हैं यह दो रूपांतरण फलों को जैसे कि हमने जी एक्स वाई और एच एक्स वाई से इंगित किया है यह दो फलन है एक फलन अगर जो हमारे याचिक एक्स वाई पे लगता है तो उससे हमें नया याचक चर आर प्राप्त होता है और दूसरा फलन हमें दूसरा याचक चर थीटा देता है तो आप समझ सकते हैं चूँकि यह जो दूसरा फलन है वह एक टैन का फलन है अतः या उसका प्रतिलोम फलन है टैन का तो इसे हमें यह कोण देगा और कोण को हम थीटा से ही इंगित करते हैं इसलिए यह फलन क्या है इसके बारे में आपको अनुमान पहले से ही हो गया होगा तो अब जब हमें दो फलन मिल गए हैं तो हम ये देखें कि जैसा कि पूर्व में हमने देखा था अगर एक फलन दिया है तो उस नए या चिपचर का जो घनत्व फलन होगा वो पूर्व संयुक्त घनत्व फलन से कैसे होगा वह आपको ज्ञात है कि वह ज्ञात होता है इससे कि जहाँ पे एक मान भूल गया था मुझे यहाँ थीटा का मान ऋणात्मक पाई और धनात्मक पाई के बीच में है तो यह रूपांतरण का एक समाधान ऐसा होगा जो कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें इतना आपको पहले से विदित होगा कि अगर हम इसका एक समाधान जिसका कि मान एक्स का अगर r cos थीटा रखते और वाई का अगर हम आर साइंथिटा रखें तो आप देख सकते हैं कि दोनों फलनों को यह समाधान संतुष्ट करता है अतः यह एक समाधान होगा इस चर के रूपांतरण का तो अगर हमने यह जो अवलोकन से ही प्राप्त कर लिया या पूर्व की जानकारी के अनुसार हमने इस अनुमान को लगा दिया और आप इसको संतुष्ट भी करके देख सकते हैं कि यह एक समाधान होगा इस रूपांतरण का तो अगर हमें यह समाधान मिल गया तो हम जैसा कि पूर्व में किया था उसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए कि यात्रिक चरों के द्विचरों के किन्हीं दो रूपांतरणों से जनित याचिक द्विचरों के संयुक्त फलन का संबंध मूल याचिक द्विचरों के संयुक्त घन फलन से होता है और यह संबंध निम्न प्रकार से दिया जा सकता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस संबंध में यह है पूर्व चरों का संयुक्त घनत्व फलन और यह है नए जनित याचिक चरों के संयुक्त घनत्व फलन यह दोनों आपस में बराबर होते हैं अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जैकोबियन का जो कि इस रूपांतरण को परिभाषित करता है तो आइए हम यह जय दो तरीकों से निकाल सकते हैं या तो हम नए याचिक्चरों के संबंध में या हम जो पूर्व जो हमारे याचिक्चर हैं उनके संबंध में यह दोनों आपस में एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं या जैसा कि आप संबंध में देखी रहें अतः इस प्रश्न का हल निकालने के लिए अब हमें जो फलन इस रूपांतरण में निहित हैं उनके लिए जैकोबियन की गणना करनी होगी तो आइए जैकोबियन की गणना करें तो रूपांतरण के प्रतिलोम फलन का जैकोबियन कैसे परिभाषित होता है यह आपको ज्ञात ही होगा जैकोबियन जो किसी भी रूपांतरण में अगर द्विप द्विचर का है तो किन्हीं दो चरों का तो उनके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं हम उनका और यह देख सकते हैं कि यह एक कैसे परिभाषित होता है और चूँकि हमने एक समाधान निकाल ही लिया है कि x और y के वह क्या मान होंगे जो थीटा से संबंधित होंगे तो उनका उपयोग करते हुए इस जैकोबियन की गणना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं चूँकि आर स्थिता का अगर हम आर के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो हमें केवल का आर जो है वो खत्म हो जाएगा और वो निरस्त हो जाएगा हमें कास्टा बचेगा इसी तरह आर साइन थीटा का अगर हम सापेक्ष आर का स्थितिटा का अगर हम थीटा के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो उसका मान ऋणात्मक आर साइन थीटा आएगा और इसी तरह नीचे के तो पद भी तो यह हमें मिल गया और इसका जो है इस सारणिक जो प्राप्त हो गई इस सारणिक का जो निरपेक्ष मान जो होगा वो चूँकि सारणिक का मान ही यहाँ पे आर मिल जाएगा आप देख सकते हैं कैसे मिलेगा अगर इस पद को इससे हम गुणा करें तो यह हमें देगा आर का घात दो थीटा और यह देगा हमें आर के घात ऋण थीटा तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको शारीरिक करें तो हमें ये कास के घात दो थीटा और साइन के घात दो थीटा का मान एका होता है अतः तो हमें यह आर के रूप में प्राप्त होता है जिसका निरपेक्ष मान भी आर ही होगा इसी तरह अगर हम चाहें तो दूसरे जैकोबियन की जो मूल रूपांतरण है उसके जैकोबियन की भी गणना कर सकते हैं तो उसका जैकोबियन इस प्रकार प्राप्त होगा जैसा कि हमें संबंध दिया है कि आर का मान जो है वो वर्गमूल है एक्स के घात दो धन घात दो तो यह उसका अवकलन है इसी तरह हमें तैंतीटा के प्रतिलोम का अवकलन करना पड़ेगा इन सभी का मान्य पुनः करके सारणिक को अगर हम सरलीकृत करेंगे तो उसका मान एक बटा आर आएगा जो कि यह दिखाता है कि यह दोनों जैकोबियन आपस में एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं तो यह गणना करने के बाद अब हम स्थिति में हैं कि नए याचिक चर आर और थीटा के संयुक्त गणप की गणना कर सकें तो उसके लिए हम जानते हैं कि जो संयुक्त घन फल होगा नए इच्छित संयुक्त घनफन होगा वह हाँ बराबर होगा जैकोबियन को निरपेक्ष मान से गुणित मूल चरों के संयुक्त घनत्फल में जहाँ पे हमने मान रखा है x और आय का जो कि r और थीटा के सापेक्ष होगा तो आप ये देख ही सकते हैं कि जो हमें घनत्फलन जो मूल चर हैं उनके बारे में पहले से ही ज्ञात है कि वह प्रासामान्य चर हैं संयुक्त रूप से तो उनका घनत्व फलन हमने पहले ही लिख रखा था तो उस घनत्व फलन में अगर हम मान ए रखेंगे इसका तो दो हमें पता है x के घात दो धन y के घात दो को हम आर के घात दो लिख सकते हैं और बाकी प्रसामान्य जो विचरण है वो तो सिग्मा के घात दो है वो ऐसे ही बना रहेगा और इस तरह हम देख सकते हैं जैकोबियन का मान चूँकि हमें आर प्राप्त हुआ है तो यह इस तरह से यह इसका संयुक्त घनत्व तो फलन प्राप्त हो जाएगा नए या रूपांतरित या चिक्चरों का जिसमें आर का मान शून्य और अनंत के बीच में होगा और अतीता का मान पूर्व की भांति धनात्मक और ऋणात्मक पाई के बीच में होगा तो यह तो हमने इसका संयुक्त घनत्व फलन प्राप्त कर लिया आइए हम इसके सीमांत घनत्व फलन पर निकालें कि आर का जो है प्रायिकता घनत्व फलन क्या होगा तो अगर हम इसका सीमांत घनत्व फलन आर के जो आर चर के लिए निकालना चाहते हैं तो हम थीटा के सापेक्ष में यह संयुक्त घनत्व फलन को समाकलित कर सकते हैं और समाकलन यह तो परिभाषा हो गई और हमें यह पता ही है कि इसमें थीटा का कोई पद नहीं है तो आप अगर ऐसी थीटा के सापेक्ष इसे समाकलित करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह जो है इसका मान हमें दो पाई के रूप में प्राप्त होगा और दो पाई निहित ही है इसमें तो यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे यथ हमें यह जो है इसका जो सीमांत प्रायिकता घनत्व फलन आर के सापेक्ष इस यह प्राप्त होगा अगर आप इस फलन को ध्यान से देखें तो आप यह बता सकते हैं कि यह एक रैले याचिकचर का प्रायिकता घनत्व फलन होता है जो कि प्रसामान्य के से काफ़ी मिलता जुलता है लेकिन प्रसामान्य में हमें यहाँ पे यह याचिक चर का आज से गुणित नहीं होता अगर यह गुणित होगा तो यह रेले याचिक चर को जैसा जिसका कि प्राचल यहाँ पर सिग्मा के घात दो है तो यह हमें एक जानकारी प्राप्त हुई इस संयुक्त घनत्वफल के बारे में और आइए हम इसी तरह थीटा का भी सीमांत रयुक्ता घनत्फल की गणना कर सकते हैं उसके लिए हमें आर के सापेक्ष इसे समाकलित करना होगा और जिसको कि हम सीमाएं शून्य और अनंत के बीच में करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें आर क्या पद को छोड़ के जो पद है वह है अगर हम किसी भी समाकलन को शून्य और अनंत के बीच में अगर आर भागा सिग्मा के घात दो और ई के घात ऋण आर के घात दो भागा दो सिग्मा के घात दो का अगर करें तो उसका मान चूंकि यह रैले का प्रायिकता घनवन है तो किसी प्रायिकता घनत्वन का मान उसका समाकलन जो है इकाई होता है तो इस तरह देख सकते हैं कि यह जो पद जो इसमें एक बटा दो पाई को छोड़कर बाकी सब का मान इकाई हो जाएगा अतः यह जो है सीमांत प्रायिकता घनत्न तीटा के लिए का मान एक बटा दो पाई आता है जो यह बताता है कि यह एक समान वितरण वाला याचिक्चर हो जाए तीजा है और जो जिसका की मान ऋणात्मक और धनात्मक पाई के बीच में होगा तो यह तो गणना हमने कर ली यह या रूपांतरित याचिक्चरों और इनके सीमांत प्रायता फलनों के बारे में आइए कुछ और परिचर्चा करें इस परिणाम की जिसका कि जो कि काफ़ी प्रभावी होते हैं विज्ञान के क्षेत्र में तो हम अवलोकन से देख सकते हैं कि संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन जो हमने आर और टीका का निकाला है वह यह बताता है कि उनके चूँकि हमने इनके सीमांत प्रायिकता घनत्व फलन का भी गणना कर ली और अगर हम ध्यान से देखें तो ये दिखा सकते हैं कि संयुक्त घनत्व घनत्फल इनके सीमांत गुण प्रायुक्त घनत्फल के गुणनफल के बराबर है अतः आर और थीटा या चिक्चर आपस में स्वतंत्र हैं तो एक यह जानकारी प्राप्त हो गई और इस परिणामों की व्याख्या हम दो प्रकार से कर सकते हैं आइए यह प्रकार की व्याख्या इसलिए की जा रही है कि इस तरह के रूपांतरण का प्रयोग हम संचार व्यवस्थाओं में बहुत आय से करते हैं अतः तो प्रायिकता के इस परिणाम की व्याख्या करने से हमें उन विषयों को समझने में आसानी होगी तो एक इसका परिणाम इस तरह से व्याख्या की जा सकती है यदि x और y शून्य औसत और समान विचरण वाले स्वतंत्र प्रसमान चर हैं तब ये रूपांतरण जिसमें कि हम चरों का के वर्ग का योग का वर्गमूल लिया यह रेले वितरित होता है रेले एक गणितज्ञ है जिनके लिए इस वितरण को नामांकित किया गया है और इसी तरह अगर हम प्रतिलोम टैन पलन के प्रतिलोम का जो कि याचिक्चर वाई भागा एक्स का टैन पलन का प्रतिलोम है वह जो रूपांतरण है वह एक समान वितरित याचिक्चर को जन्म देगा और को प्रस्तुत करेगा और उसका मान अंतराल में जो है धनात्मक ऋणात्मक भाई में होगा यह तो एक इसकी हो गई परिचर्चा और एक और इसकी परिचर्चा जो कि संचार व्यवस्थाओं से ज़्यादा संबंधित है वो यह है कि अगर x और y स्वतंत्र प्रासमान याचिक्षर हैं शून्य औसत समान विचरण वाले तब अगर हम एक मिश्रित गाऊसी याचिक्चर जिसे कि हमने x धन i y से इंगित किया गया है आप देख सकते हैं यह मिश्रित चर है जहाँ i का मान जो है वो हम आंग्ल भाषा में इमेजिनरी भाग के लिए करते हैं और इसका जो वास्तविक भाग है वो x है तो यह जो है मिश्रित गाउसी चर है उसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं जिसे कि आंग्ल भाषा में पोलर फॉर्म कहते हैं जिसमें कि हम इस सम्मिश्र चर का परिमाण जो कि आर से इंगित है ऐसा परिमाण किसी भी संश्रिक्षण का कैसे होता है वह दोनों भागों का के वर्ग का योग का वर्गमूल होता है और इसी तरह से उसका हम जो है प्रावस्था या फेज पार्ट और आर्गुमेंट पार्ट निकाल सकते हैं अगर हम उसको जो है गुणांक जो है हमारा जो इमेजिनरी भाग का है जो अवास्तविक का गुणांक है और उसको वास्तविक भाग का अगर हम अनुपात निकालें और उसका अगर हम प्रतिलोम टैन फलन की गणना करें तो उससे मिलने वाला जो कोण होगा वो थीटा से इंगित है तो यह पता चलता है कि एक समृच चर का परिमाण और प्रावस्था स्वतंत्र होते चूंकि ये आरही थीटा को करेंगे देखते आर आरथीटा को हमने पूर्व ही दिखा दिया है कि ये स्वतंत्र यात्री चर होंगे स्वतंत्र होते हुए क्रमशः रेले और एक समान वितरित होते हैं तो यह है सब व्याख्या जो है आगे के अगर संचार व्यवस्थाओं से संबंधित अगर हम कुछ गणती गणनाएँ करते हैं तो यह परिणाम हमारे काफ़ी काम आएंगे तो आपने ये देखा कि हमने इस प्रश्न में चर्चा करी कि द्वि याचिक चरों के द्विफलनों के बारे में और उससे दो हमें दो याचिक चरों से हमने दो नए याचिक चर बनाए और उन नए याचिक चरों के, के प्रायिकता के बारे में हमने गणना की मूल चरों के प्राप्त ज्ञान से और उस ज्ञान को करने के लिए हमें रूपांतरणों की व्याख्या करनी पड़ेगी जिससे कि हमने जैकोबियन के माध्यम से देखा है कि किस तरह का हमारा रूपांतरण है और यह दोनों प्रायिकताएं आपस में बराबर होती हैं अगर हम रूपांतरण का जैकोबियन से उन्हें गुणित करें आइए परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य उदाहरण लेते हैं तो दूसरा उदाहरण इस प्रकार है यदि हमें दो याचिक चर जिन्हें कि एक्स और वाई से अंकित किया गया है ये दोनों याचिक चर एक समान वितरित हैं शून्य और इकाई के बीच में और यह स्वतंत्र याचिक चर हैं तो हमने परिभाषित किया है एक अन्य याचिक चर जैसे कि जेड से इंगित किया गया है और यह जो है एक्स और वाई याचिक चरों से कैसे संबंधित है यह संबंध आपके सामने प्रश्न में लिखा हुआ है तो यह है एक संबंध और अगर हमसे यह कहा जाए कि हमें जेड की प्रायिकता घनत्व की करें तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं एक तो जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा करी कि हम किसी भी द्वि के किसी एकल फलन के, के प्रायिकता के बारे में कैसे गणना कर सकते हैं या हमने आज की परिचर्चा में द्वि चरों के द्विफलनों के प्रायिकता गणना के लिए जो पूर्व का प्रश्न लिया उस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न को लगाना संभव प्रतीत नहीं होगा क्योंकि तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि यहाँ तो केवल एक ही फलन दिया है यहाँ दो फलन नहीं दिया है ऐसी दशा में कभी कभी हम इस प्रश्न को हम एक साधारण तरह से भी कर सकते हैं मतलब हम इसको द्वि के जो सूत्र हैं उन्हीं का प्रयोग करेंगे लेकिन उस दशा में हमें ये मानना पड़ेगा कोई एक किसी बहुत ही सरल उपयोगी फलन को जो कि यहाँ इस दशा में दूसरा फलन भी प्रस्तुत करेगा आइए इसको हम उसको आपको कायदे से अगले पटल पे दिखाते हैं कि चूंकि प्रश्न के कथन में चर x और y का एक ही रूपांतरण फलन परिभाषित है अतः इस दशा में हम एक सहायक या आंग्ल भाषा में ऑग्जिलरी रूपांतरण फलन या ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को मान सकते हैं और यह आप देख सकते हैं वो बहुत ही सरल रूपांतरण हमने मान लिया चूँकि यहाँ पे यह मान लिया कि एक दूसरा रूपांतरण हो रहा है जिसमें कि हमें नया याचिक सर जिसको कि हमने आंग्ल भाषा के डब्ल्यू अक्षर से इंगित किया है वह है एक जो कि सीधे जो है वाई से संबंधित है तो यह ध्यान नहीं हुआ है यहाँ हमने खाली इसको इसलिए मान लिया है एक सहायक रूपांतरपण को क्योंकि हम द्विचरों के द्विफलनों के सूत्रों का प्रयोग करके इस प्रायिकता की गणना करते हैं क्योंकि हमें केवल एक, एक ही याचिक चर जो कि जेड है उसी के बारे में प्रायिकता निकालनी है लेकिन हम देखते हैं कि इसको साधारण रूप से कैसे कर सकते हैं तो आइए इसमें देखते हैं कि हम जब हमने एक सहायक रूपांतरण मान लिया और देखते हैं अब यह हम इसका मतलब हम पहले द्वि दो याचिक चरों जो कि अब जेड और डब्ल्यू होंगे उनके संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन की गणना करेंगे और उसके बाद हम उसका जो है समाकलन दूसरे चर के सापेक्ष करके हम जेड या चर कर प्राय तक की गणना कर सकते हैं तो यह तो रूपरेखा इस हल की आइए देखें कि यह हल कैसे किया जाएगा तो अब आप देख सकते हैं कि यह यह दो माने हुए फलन एक हमने माना है एक हमको दिया है यह एक एकमात्र समाधान थे का जो कि बहुत संभव है हम यहाँ पे प्रतिलोम फलन लिख दिया हमने जो हमें फलन दिया हुआ है तो उसी का प्रतिलोम लिख दिया और चूँकि यह हमने फलन को जो है वो एक ही माना है कि W बराबर Y तो यह तो फलन का प्रतिलोम लिखना बराबर है हम इसको लिख सकते हैं Y का मान W के बराबर है तो यह तो दो समाधान हो गए अब इस समाधान के प्राप्त करने के बाद अब हम चरों के द्विफलनों के सूत्रों का इस्तेमाल करके इस प्रायिकता के गणक की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब हमें ये फलन हमने अनुमान लगा लिया है एक फलन तो बहुत ही सरल है और ये हमने जो हमें प्रश्न में दिया हुआ फलन है उसका प्रतिलोम फलन लिखा है जो कि आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं इसको तो यह है प्रतिलोम फलन का मान तो अब हम पहले इसकी रूपांतरण के जयगोबियन की गणना करेंगे क्योंकि इस जयपोरियन की गणना करने के पश्चात हम नए जो संयुक्त चर हैं नए चर हैं उनके संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन की गणना कर सकते हैं पूर्व मतलब एक्स वाई यात्रिक चर के संयुक्त घ याचिका प्रायिकता घनत्व फलन से क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये दोनों पूर्व में जो एक्स वाई चर हैं वो प्रासामान्य हैं तो हम इसका उपयोग करके हुए हम नए चर का प्रायिकता घनत्व फलन की गणना आसानी से कर सकते हैं तो आइए पहले हम जैकोबियन की गणना करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जैकोबियन की गणना इस प्रकार होगी और हमें ये दो फलन दिए हुए हैं आप यह पद प्राप्त हुआ है हमें जब हमने एक्स का जो है वो अवकलन किया है जेड के सापेक्ष और इसी तरह से हमने उसका W के सापेक्ष जो कि आपको ही रहा है और इसी तरह नीचे Y का भी हमने Z और W के सापेक्ष अवकलन किया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये यह जो है R के सापेक्ष R के सापेक्ष किया है R हमारा दिया हुआ है तो ये हमें दिया नहीं हुआ है इसमें तो हमने इन दोनों को इसकी गणना यह है इसका मान एक आएगा और इसका मान शून्य रहेगा तो इस प्रकार हमने ये निकाल लिया कि जो ये हमारा जो इसका मान जो है सरलीकृत करके चूँकि आप देख सकते हैं इसको हम अगर गणना करें इस, इन दोनों से इन दोनों को गुणा करके इस गुणन से इसको हम ऋण करेंगे लेकिन यह मान शून्य होगा इसलिए हमें इसका मान ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा तो अब आप देखते हैं कि हम अपने नए या चिक्चर एक का मान जेड है दूसरा का मान डब्ल्यू है उसकी हम यहाँ परिचर्चा कर सकते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी मुझे गलती दिख रही है ये समाकलन हमने जेड के सापेक्ष किया है ना कि आर के सापेक्ष में ये पूर्व के पूर्व के को यहाँ पे लिखने में त्रुटि रह गई है तो अब आप इस गलती का सुधार करने के बाद ये यह, यह पद सही है लेकिन यह जो परिभाषा है जैकोबियन की वो हम मुझसे गलत हो गई थी तो अब हम निकाल सकते हैं याचिक चरों के किसी दो रूपांतरण से जनित याचिक चरों के संयुक्त घनत्व फलन को जिनको कि हम पूर्व के भांति जानते हैं कि ये जैकोबियन के निरपेक्ष मान से अगर हम जो हमारे पूर्व के याचिक चर के संयुक्त घन है उसको गुणित करते हैं तो हमें नए याचिक चर का संयुक्त घनत्व फल प्राप्त हो जाएगा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मान हमने निकाल रखा है जैकोबियन का तो निरपेक्ष मान है तो ये निरपेक्ष मान हो गया उसका और ये जो घनत्व फलन है वो उससे वो हमने गुणा कर दिया तो वह मान निकल के आ गया इस तरह से अब हम गणना कर सकते हैं सीमांत प्रायिकता घनत्व फलन की कैसे चूंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो हमने नया याचिकर मांगा था W उसका मान शून्य और एक के बीच में परिवर्तित होता है हमने माना था क्योंकि वह वा, वाई से संबंधित है वाई एक एक समान याचिक्चर है शून्य और एक के बीच में तो डब्ल्यू भी शून्य और एक के बीच में ही परिवर्तित होगा उसका मान तो आइए उसके सापेक्ष हम अगर समाकलन करते हैं इस संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन का तो हमें यह प्रायिकता इच्छित जो याचिक जेड की है उसकी प्रायिकता घनत्व फलन प्राप्त हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मान रख दिया हमारे संयुक्त प्रायिकता घनित फलन का जेट और डब्ल्यू में और डब्ल्यू के सापेक्ष इसे हमें समाकलन कर दिया तो आप देख सकते हैं कि इसकी सीमाएँ शून्य और एक हैं यह डब्ल्यू के मान पर निगित करती हैं तो इस समाकलन का अगर हम मान निकाल लेंगे तो हमें यह जो याचिकट का प्रायिकता घनित प्राप्त हो जाएगा तो यह समाकलन आसान नहीं है समाकलन को हल करने के कई सारी विधियां होती हैं एक विधि है कि किसी विशेष प्रतिस्थापन से दिए हुए समाकलन को थोड़ा हम सरलीकृत करें जिसका कि मान किसी जो है कुछ मानक जो समाकलन है उनके अनुरूप हो जाए जिससे कि हम उनके मान की गणना कर सकें तो ऐसा ही प्रतिस्थापन हम कर सकते हैं इस समाकलन को हल करने के लिए और वह प्रतिस्थापन इस प्रकार होगा अगर हम यहाँ पर जेड टैन फलन में जिसका कि आर्गुमेंट जो है दो पाई डब्लू है अगर हम इसको प्रतिस्थापित करें यू मानते हुए तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इसका समाकलन करें इस संबंध का तो हमें प्राप्त होगा यह सूत्र जो कि हमको बताएगा कि हम दिए हुए समाकलन में जिसको कि हमने w के सापेक्ष किया है उसको हम कैसे शलरीकृत कर सकते हैं तो आप जानते ही हैं कि W जो है अगर शून्य एक के बीच में मान लेगा तो U का मान ऋणात्मक और धनात्मक अनंत के बीच में हो जाएगा तो और इस प्रतिस्थापन को अगर दिए हुए समाकलन में अगर हम करें तो हम जो समाकलन जो हम Z के लिए फलन के लिए निकाल रहे हैं वह समाकलन शलरीकृत हो जाता है इस प्रकार तो आप देख सकते हैं कि हमने डी डब्ल्यू की जगह का हमने ये जो बाकी फलन दिए हुए हैं ये सब पूर्व समाकलन में नीति है तो इसको आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ी ध्यान से अगर आप देखें तो यह समाकलन हम इस प्रकार लिख सकते हैं जिसमें कि जेड के पद जो है वो बाहर आ जाएंगे समाकलन के क्योंकि हम समाकलन जो है वो W के सापेक्ष कर रहे हैं और हमने परिवर्तित करके उसे U कर दिया तो अब U के सापेक्ष कर रहे हैं और ये समाकलन का मान आपको पहले से ही ज्ञात है इस तरह का समाकलन का मान जो होता है वो इकाई होता है इस दशा में यह समाकलन हमें देता है जो फलन का क्या एक व्यंजन जो आप देख सकते हैं कि यह इस तरह से विस्तृत है ये समान है किसी भी प्रसमन या चिक्चर जिसका कि औसत शून्य है और जिसका विचरण का मान इकाई है जो कि आप देख सकते हैं कि नीचे अगर हम जो याचिक जेड के घात दो भागा दो लिखा है यहाँ पे इसका मतलब सिग्मा के घात दो का मान एक है यानि कि वह इसका विचरण इकाई है अतः यह एक मानक प्रासामान्य याचिक चार होता है तो यह हमने निकाल लिया कि इस तरह के प्रतिस्थापन से जो कि दो एक समान स्वतंत्र याचिक्चर जो स्वतंत्र हैं उन पे लगाया गया यह रूपांतरण उससे प्राप्त याचिकर का जो है हम पाते हैं कि वह एक मानक प्रासमान वितरित है तो यह काफ़ी जो महत्वपूर्ण परिणाम है इस परिणाम की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ रूपांतरण फलन दो स्वतंत्र एक समान वितरित याचिक चरों की श्रेणियों द्वारा कूट गाउसी चरों के जनित करने की एक विधि प्रदान करता है तो हम व्यवहार में जब भी गौसी चर हमें अगर प्रकट करने होते हैं किसी भी समस्या के लिए और किसी भी समाधान के लिए तो हम गौसी चर को जनित कर सकते हैं यदि हम दो श्रेणियाँ ले लें उन याचिक्चरों की जो एक समान वितरित हैं और जो रूपांतरण दिया हुआ है अगर उस रूपांतरण को लगा दें तो वह एक समान वितरित याचिक्चरों को इस्तेमाल करके हमें एक दाऊसी याचिक्चर दे देंगे ये कूट याचिक मतलब यह बताता है कि वह पूर्ण रूप से याचिक नहीं होगा परफेक्ट है या बिल्कुल पक्का गाउसी नहीं होगा, लेकिन वो इसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में पूडो रैंडम, वह लगभग गाउसी के बराबर होगा व्यवहार के लिए, तो यह एक व्यवहारिक विधि है गाउसी चरों को जनित करने की एक समान वितरित या एक चरों से, तो यह प्रणाम की व्याख्या हुई और यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है जिसका कि इस्तेमाल हमारे संगणक में गौसी चरों को जनित करने के लिए एक विधि है आइए एक अन्य उदाहरण की ओर चलें तो यह उदाहरण इस प्रकार है आप देख सकते हैं कि हम इस प्रश्न में यह विदित है कि गौसी वितरित याचिक्चर जिन्हें कि एक्स और वाई से इंगित किया गया है जिनके की प्राचल निहित हैं कि वह गौसी क्या उनका औसत और उनके विचरण का मान क्या है ये संयुक्त रूप से भी गौसित होते हैं यदि उनका संयुक्त घनत्वफल फल निम्नता व्यक्त किया जा सकता है आपसे पूर्व में मैंने परिचर्चा की थी अगर दो चर संयुक्त रूप से या अगर वो प्रसामान्य है या गौसी हैं तो उनका प्रायिकता घनत एक विशेष तरह से व्यक्त किया जा सकता है यह हमने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे उस प्रायिकता घनत्व संयुक्त तो प्रायिकता घनत्व का पुनः मैंने यह लिख दिया है कि वह क्या व्यंजक होगा जो कि इस्तेमाल होता है तो यह घाती जो है वितरित होते हैं ये आप देख सकते हैं यह घाती है और जहाँ पे यह एक याचिक चर है एक, एक दूसरा याचिक् चर है और यह संबंध जो जो आर है आपसे पहले भी पता है यह याचिक चरों के बीच सहसंबंध गुणांक को दर्शाता है तो अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि यह संयुक्त रूप से भी गौसित होंगे कि नहीं होंगे तो इस प्रश्न को एक साधारण तरीके से जो गौचिक का फलन होता है उसकी जगह अगर हम यह दिखा दे एक विशेष स्थिति में कि जब दोनों याचिक चरों का औसत मान शून्य है तब हम यह दिखा दें कि उनका गुणन याचिक फलों का गुणन का औसत इस तरह व्यक्त हो सकता है यह बराबर है दिखाने के कि यह दोनों गौसी चर जो है दो याचिकचर जो गौसी वितरित हैं वो संयुक्त रूप से भी गौसित हो गए यह परिणाम बहुत ही विदित है लेकिन यह हम इस प्रश्न में इस परिणाम की व्याख्या को हम दिखा रहे हैं कि कैसे यह होता है गणित तरीके से तो आइए इसके हल की ओर बढ़ें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर संयुक्त गाउसी प्रयुक्ता घनत्फल के घातीय व्यंजक जैसा कि आपको पूर्व में दिया हुआ है मैं पुनः आपको दिखा देता हूँ ये है इसका कोष्टक इस कोष्टक पर ध्यान दें जैसा कि हमें बताया गया है कि इस प्रश्न का हल आ, आसानी के लिए हम यही दिखा सकते हैं जबकि औसत का मान शून्य है मतलब कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मान शून्य होगा तो ये जो अंदर का जो कोष्टक है उसमें जो व्यंजक है वह हमने लिखा पहले वह व्यंजक यह है अब इस व्यंजक को प्रश्न में दिए हुए इच्छा के अनुसार हम इस तरह रूपांतरित कर सकते हैं अगर इनमें हम इन दो पदों को जोड़ दें ये पदों को हमने क्यों जोड़ा क्योंकि हमने इसको इसलिए जोड़ा कि हम दिखाना चाहते हैं कि यह संयुक्त रूप से गासी विस्तृत हैं और यह दोनों याचिक जो हैं वो खुद भी जो है स्वतंत्र हैं तो क्या इनके प्रायिकता गणत को हम अलग अलग बांट सकते हैं दो गुणक के रूप में इसलिए हम इसको x और y के संबंध में दो गुणक बनाना चाहते हैं तो उस दशा में करने के लिए हम देख सकते हैं कि हमने कुछ इच्छित ये पद इसमें जोड़े घटाएं तो किसी भी व्यंजक में आप किसी भी चीज़ का जोड़ और घटाव दोनों कर दें तो व्यंजक का मान नहीं बदलता ये आपको पता ही है अब हम देख सकते हैं कि इन पदों को एक साथ और इन पदों को एक साथ रख के हम यह इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं तो एक हमको मिल जाता है वर्ग जो है एक फलन का और दूसरा वर्ग मिल जाता है y के संबंध में दूसरा है x और y के ऋणात्मक व्यंजक का वर्ग मिल जाता है तो इस तरह हमने इसे दो वर्गों में ही अलग अलग कर दिया और हम अब इस स्थिति के बाद अब हम याचिक चरों के गुणन के फल का औसत को परिभाषित करते हैं तो हमने विशेष जो प्रश्न में दिया था कि हमें दिखाना था कि उस दशा में जब याचिक चर के औसत जो है वह शून्य हो तो शून्य की दशा में उनके फलन में क्या मूलभूत परिवर्तन होंगे वो हमने ऊपर दिखा दिए अब हम उस संयुक्त घनत्व फल से गणना करेंगे याचिक चरों के गुणन के औसत की तो जैसा परिभाषा है कि औसत याचिक चरों के गुणन का परिभाषित होगा यहाँ याचिक चर जो है द्वियाचिक चर है तो यह होगा गुणन एक्स और भाई का गुणन याचिक चरों के संयुक्त घन फल से और समाकलन दोनों याचिक चरों के सापेक्ष तो यह तो परिभाषा हो गई और इस परिभाषा में हम अब या ये जो संयुक्त गुणन फल है वो ऊपर में दिए हुए जो हमने जो रूपांतरण किया है उसके हिसाब से लिख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह संयुक्त घनत्व जो प्रश्न में दिया है वही दिया है लेकिन जो घात का व्यंजक है उस घात के व्यंजक को हमने इस तरह व्यक्त कर दिया है यह क्यों ऐसा किया है यह आपको विदित होगा अगले प्रश्न पे तो यह आप देख सकते हैं यह है गुणन याचिक चरण का और यह है संयुक्त प्रायिकता घन फल उस दशा में जबकि याचिक चरण जो है शून्य औसत के होते हैं तो अब इतना लिखने के बाद अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला समाकलन x के सापेक्ष और दूसरा समाकलन y के सापेक्ष हुआ गया है ये हमने जो घात का व्यंजक है उसको हमने इस तरह लिखा क्योंकि हम दोनों सापेक्ष जो समाकलन है उनको अलग अलग करना चाहते हैं y और x के सापेक्ष जैसा कि आपको अगले पटल पे दिखाई देगा तो अब आप देख सकते हैं कि जो याक्षिक चरम का घूर्णन का जो औसत है औसत मान है या आंग्ल भाषा में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई उसको हमने परिभाषित किया था उस परिभाषा को हमने दो समाकलनों, जो कि एक्स और वाई के सापेक्ष है उनको अलग अलग कर दिया एक भाग जो कि केवल वाई से संबंधित है अगला भाग जिसमें कि एक्स और वाई दोनों है लेकिन यह आप देख सकते हैं कि एक विशेष रूप में जो यहाँ x एक्स वाई दोनों है लेकिन यहाँ पे यह पूर्ण में वाई के सापेक्ष है और यह इसमें एक्स वाई दोनों है तो अब आप इसकी परिचर्चा कर सकते हैं कि ये ये वाला जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष यह किस तरह का है तो अगर आप इसको देखें तो देखें कि इसमें जो प्रायिकता घनत्व तो फलन है यह क्या किसी विशेष प्रकार का है तो इस प्रायिकता घनत्व फलन को तो अगर हम किसी प्रसामान्य प्रायिकता घनत्व फलन के साथ समरूपता देखें तो हम ये दिखा सकते हैं कि x के सापेक्ष का सा जो है समाकलन का मान ये होगा क्यों आपको विधिति होगा चूँकि आप देख सकते हैं कि यह x का एक प्रायिकता घनत्व फलन से गुणन करने के बाद समाकलन किया गया है तो अगर आप आघूर्ण फलन के बारे में देखें अगर किसी भी जो प्रथम आघूर्ण है अगर किसी भी या चिक्चर को उसके प्रायिकता घनत्व फलन से अगर गुणित करके अगर हम समाकरण करते हैं तो हमें उसका औसत मान प्राप्त हो जाता है और औसत मान जो प्रसामान्य प्रायिकता घनत्व फलन है वो उसमें सर्विदित ही होता है कि उसके फलन के जो व्यंजक है उसमें हमें औसत मान नहीं थे तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह होगा औसत का मान एक ऐसे प्रासामान्य वितरित या तिकचर का और उसका ये तो औसत का मान है और उसके विचरण का मान अलग होगा वो हम बाद में व्याख्या करेंगे तो अगर हम यह समाकलन करेंगे तो हमें यह दिखाई दे रहा है कि यह औसत मान देगा जो कि इस दशा में यही होगा तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम यह औसत मान इसमें परिवर्तित कर दें अब हम ध्यान देंगे y के सापेक्ष किए हुए समाकरण क्योंकि x का सापेक्ष समाकरण हम देख सकते हैं एक ऐसे प्रसमान याचिक फलन के साथ हमने इसका एक्स को गुणा किया है जिसमें कि औसत मान यह है और उसके विचरण का मान होगा सिग्मा एक्स के घात घातो गुणित एक ऋण आर घातो जहाँ आर जो है वो संबंध का गुणांक है तो ऐसा जो हो समाकलन होगा वह हमें औसत मान ही देगा तो औसत मान यहाँ से हमने इसको इस व्याख्या से लिख लिया अब इस औसत मातन को चूँकि हमें यह y के संबंध में प्राप्त होता है तो यह गुण दूसरे समाकलन जो कि y के, के सापेक्ष है के अंदर होगा तो आप देख सकते हैं अब y का मान जो है ये घात दो हो गया क्योंकि एक वाई हमें इस औसत मान से प्राप्त हो गया और बाकी जो चीज़ जो अन्य जो पद हैं जो कि जो यहाँ पे एक स्थिरांक होंगे उनको हमने समाकलन के बाहर ले लिया और अंदर का समाकलन आप देख सकते हैं कि ये पुनः एक हमें प्रसामान्य याचक चर के प्रायिकता घनत्व फलन की ओर दिखा रहा है जिसका कि औसत मान शून्य है और जिसका कि विचरण का मान सीग्मा वाई के तो होगा और उसको हमने गुणित किया है याचिक तो मतलब यह हमने द्वि स्तर का आघूर्ण फलन की गणना की है या अंग्रेजी भाषा में अ मोमेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर मोमेंट तो इसका मान जो होगा चूंकि यहाँ पे औसत का मान शून्य है तो उसका मान केवल विचरण के बराबर ही होगा जिसको कि हमने सिगमा वाई घातों से यहाँ पे इस पूरे समाकरण को सरलीकृत कर दिया तो अब आप देख सकते हैं कि ये गुणा करने पे हमने दिखा दिया जैसा कि हम में प्रश्न में ही थोड़ा हमें संकेत दिया गया था कि इस समस्या का दिखाना बराबर है यदि हम इसके गुणन के गुणन के औसत को दिखा सकें कि वह होगा आर गुणित उन दोनों याचिक्चरों के मानक विचरण के बराबर सो तो आप देख सकते हैं कि यह उसके संबंध में आ गया तो हम जैसा कि प्रश्न में हमें कहा गया था हम उसमें सफल हुए लेकिन हम एक और इसमें कर सकते हैं कि दो याचिक चरों जो कि इस दशा में एक हैं का सह संबंध गुणांक जिसे कि हम ग्रीक भाषा के रो अक्षर से करते हैं इंगित करते हैं समानता वह होता है इस प्रकार जिसकी की परिचर्चा हमने पूर्व के परिचर्चा में के, पूर्व के सत्र में की थी कि यह जो साहस-संबंध गुणांक जो है इस तरह से परिभाषित होता है और हमने ये देखा कि ये जो सी एक्स वाई का मान होगा हम लिख सकते हैं याचिक चरों का गुणन ऋणात्मक याचिक चरों के स्वयं के औसत के गुणांक को घटाने पर तो आप जानते हैं कि याचिक चर में यहाँ पे हमने औसत शून्य मान ही रखा है तो अतः जो सी जो पाई होगा वह औसत मान होगा याचिक के गुणन का ऐसा। जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं आप देख सकते हैं कि उसका मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है तो इस प्रकार हम ये दिखा सकते हैं कि इस दशा में जो कि शून्य औसत वाले याक्षिक चरों के लिए हम जो सहसंबंध गुणांक है उसको अगर हम इसमें संबंध में रखते हैं तो आप देखते हैं कि आर तो हमने यह दिखा दिया जो संयुक्त घनत्व घनत्पल दिया है आर वह एक याचिक चरों के बीच सहसंबंध गुणांक है और यह एक हमने इसको परिभाषित कर दिया कि सहसंबंध संबद्ध गुणांक क्या होता है और वह याचिक चरणों के आप एक दूसरे पर निर्भर होने को किस तरह दर्शाता है और आपको पहले से ही ज्ञात होगा कि यह सहसंबंध गुणांक का मान धनात्मक ऋणात्मक इकाई के बीच में ही होता है अगर इसका मान शून्य होता है तो याचिक में आपस में कोई संबंध नहीं होता अगर इसका मान एक की ओर जाता है तो वह याचिक चर बिल्कुल एक दूसरे के साथ परिवर्तित होते हैं जब एक चर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा और जब या इसका मान ऋणात्मक इकाई की ओर होता है तब तो एक चर के ज़्यादा बढ़ने पर ज़्यादा मान लेने पर दूसरा याचिक घटेगा यह, यह दर्शाता है तो यह परिभाषा हो गई सहसंबंध गुणांक की और इसको हमने एक प्रथम विधि से दिखाया कि हम याचिक या, सहसंबंध गुणांक किसी भी याचिक का संयुक्त घनत्व घनत्फल जो परिभाषित होती है उसमें हम सहसंबंध गुणांक का जो उपयोग करते हैं वह कैसे परिभाषित होता है तो इसके साथ हम एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो नया उदाहरण इस प्रकार है यह गणितीय समस्या है अगर किसी दो चर जो कि संयुक्त रूप से हैं है एक वाई और उनके संबंधित प्राचल मतलब औसत मान और उनका विचरण और उनका सहसंबंध निम्न दिए हुए हैं आपके समक्ष हैं तब निम्न परिभाषित चरों की प्रायिकता घनत्व को ज्ञात कीजिए तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में दो याचक चर जिन्हें कि जेड और W से अंकित किया गया है परिभाषित किए गए हैं जेड जो है उन दिए हुए चर एक्स वाई का योग है और W जो है वह एक्स में वाई का घटाव है तो ऐसे दो चर हम कैसे कर सकते हैं चूँकि यह योग और घटाव जो कि एक बहुत आसान रूपांतरण यात्रिक चरों का तो इसमें हम बिना जय भी की गणना किए बिना भी हम इसमें संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन की गणना कर सकते हैं तो आइए हाँ प्रश्न की हल की ओर बढ़े तो परिभाषा के अनुसार प्रथम पर जो परिभाषा है हमारे प्रायिकता घनत्व फलन की उसे जानते हैं अगर हमें दो याचिक चर के योग का औसत और विचरण का मान लिखना हो तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं किसी याचिक चर का योग का औसत जो होगा उन याचिकजरों के स्वयं के औसत के योग के बराबर होगा तो आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न में हमें याचिकजर एक्स वाई के औसत का मान दिया ही हुआ है तो हमने उन दोनों को जोड़ दिया जो कि आप देख सकते हैं पूर्व पटल में इन इनका मान आपके सामने मैं पुनक्ष इनका मान यहाँ दिया है कि एक्स का औसत का मान दस है और वाई के औसत का मान शून्य है और इनके जो विचरण है वो उनका मान एक और चार और एक और इनका संबंध गुणांक जो है दशमलव पाँच है तो इस तरह हमने पहला और विचरण का जहाँ तक है विचरण जो होता है आपने देखा कि विचरण निकालने के लिए अगर इस तरह से योग का विचरण निकालने के लिए वह संबंधित याचिकों के स्वयं के विचरण के, के योग धन उन दोनों के योग में जो संबंध गुणांक का उनके और पद जोड़ के प्राप्त होगा तो ये आप आराम से किसी भी आगुण फंक्शन अगर द्वीय स्तर के निकालेंगे तो यह आपको सूत्र पहले से ही ज्ञात होगा तो यह एक गणित प्रश्न है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी मान दिए हुए हैं तो हम निकाल सकते हैं विचरण योग का जिसमें कि हम तो सारे पदों का मान इस प्रश्न में दिया ही हुआ है तो हमने उनको इसमें प्रतिस्थापित करके इसका मान सात के रूप में प्राप्त कर लिया तो यह हो गया याचिकेड जो कि दिए हुए याचिक चरों का योग होता है तो उसका औसत का मान तो दस ही रहता है लेकिन विचरण का मान सात प्राप्त होता है हाँ और यह किस तरह संबंधित है दिए हुए याचिक चरों के स्वयं के वितरण से यह आपके सामने दिख ही रहा है इसी तरह की गणना हम दूसरे याचिक डब्ल्यू जिनको कि हमने जो चर एक्स में से वाई को घटाने से प्राप्त किया है इसके भी औसत और विचरण का मान इसी प्रकार निकाल सकते हैं तो जैसा कि विदित है कि W के औसत का मान दोनों जो यात्रिक चर हैं जिनमें जिससे ये बना है उनके औसत के घटाव के बराबर होगा ये जो, चूँकि जो इसका मान शून्य है तो इसका मान भी औसत मान भी ही निकल के आता है योग और ऋणात्मक का चूँकि एक चर का औसत मान शून्य है लेकिन इसके जो विचरण का मान है वो थोड़ा परिवर्तित आएगा क्योंकि यहाँ योग का है ये घटाव का है तो इसलिए यह पद का चिन्ह आप देख सकते हैं इससे परिवर्तित है बाकी तो जैसे कि वो पद है पूर्व का उसी तरह से ये भी होगा और इनमें मान को प्रतिस्थापित करने से हम देखते हैं कि यहाँ पे इस दो यात्रों के जो घटाव का जो विचरण है वह उसका मान तीन निकल के आता है अब हम जो नए यात्र जेड और W निकाले हैं उनके बीच में सह को ज्ञात करेंगे ध्यान दीजिए हमने जो सहसंबंध प्रश्न में दिया है वह X और वाई के बीच में है न कि वाई और जेड के बीच हम क्या कर रहे हैं हम वाई जेड के संयुक्त प्रायिकता फलन को पूर्ण परिभाषित कर रहे हैं तो हमने उस परिभाषा में उनके औसत मान निकाल लिए अब हम देखेंगे कि इनके बीच में सहसंबंध क्या है तो सह पर संबंध के लिए जैसा कि आपने पूर्व के प्रश्न की परिचर्चा में देखा था कि हम निकाल सकते हैं दोनों याचिक के गुणन के औसत मान को चूंकि इस दशा में चूँकि याचिक व्याख्या ऐसे हुई है कि एक धन है और एक ऋण है तो उसको हम लिख सकते हैं औसत मान की घात दो ऋण और वाई के घात दो से तो इसको हम थोड़ा संरिखित करेंगे कि यह एक और वाई के दूसरे घात का जो औसत मान होता है वो उसका मौसम मान उसके औसत के वर्ग को उसके विचरण में योग करने से प्राप्त होता है तो यह परिभाषा है आगुण फलन से तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं ये दोनों फलन कैसे अलग अलग हो गए यह मान जो है औसत मान है x या याचिक के वर्ग का और यह है औसत मान y या चर के वर्ग का और ये दोनों का ऋण है जो क्योंकि हमारे फलन में दिया हुआ है कि यह फलन जो है ऐसा होगा तो अब आप इसमें सारे मान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं क्योंकि हमें सभी मान सिग्मा एक्स और म्यू एक्स और इसी तरह वाई के हमको या चर के बारे में सब पता है तो उनको प्रतिस्थापन करके हमने इस गुणांग का औसत मान को 103 के रूप में प्राप्त कर लिया अभी हमने सहसंबंध गुणांक नहीं निकाला सहसंबंध याद करने की दिशा में बढ़े हैं तो आइए अब हम गुणांक भी निकालें तो सहसंबंध गुणांक कैसे प्राप्त किया सकता है अब यह प्राप्त किया जा सकता है परिभाषा के अनुसार यह आपको पता ही है हमने किसी भी इसको निकालने के लिए तो देख सकते हैं कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अब ये मैंने परिभाषा लिखी है ये इसको आप समझ सकते हैं कि इसी चीज़ को आप जेड और डब्ल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ परिभाषा के है एक्चुअली ये मुझे जेड और डब्ल्यू ही लिखना चाहिए था लेकिन मैं थोड़ा भूल गया इसको सही करने के लिए तो अब आप देख सकते हैं हमें यह सारे मान प्राप्त हैं हम पहले ही निकाल चुके हैं औसत मान का और यह विचरण का तो यह विचरण का वर्गमूल है तो आप यहाँ से सब व्यवस्थित कर सकते हैं इसको इस व्यवस्थित करने से आप देख सकते हैं गुणांक का मान तीन बटा सात वर्गमूल आता है इस तरह हम यह लिख सकते हैं कि दो या चार जो कि स्वतंत्र हैं वह स्वयं में प्रसमान याचिकर हैं उनके औसत का मान उनके विचरण का मान दिया है और उनके बीच में जो है संबंध गुणांक भी दिया हुआ है दशमलव पाँच तो अगर उनको उनका योग और उनका घटाव से हम दो याचिक प्राप्त करते हैं तो वो दोनों चर भी संयुक्त रूप से प्रसमान होंगे वितरित होंगे और उनकी परिभाषा जो होगी यह ऐसा क्यों होता है चूंकि यह रूपांतरण जो है वह एक रैखिक रूपांतरण है योग और घटाव एक रैखिक रूपांतरण को देते हैं जो कि बहुत ही आसान रूपांतरण है किसी यात्रिक जाग के तो यह हमें पता है कि किसी भी याचिक चर का अगर हम रैखिक रूपांतरण या आंग्ल भाषा में लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमें वही प्रसामन याचिक चर मिलेगा खाली उसके जो प्राचल होंगे वो परिवर्तित हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने दो रूपांतरण किया एक योग और एक ऋणात्मक दोनों ही रैखिक रूपांतरण हैं तो ऐसा हमें जो दो चर जेड ओ डब्ल्यू प्राप्त हुए वो भी संयुक्त रूप से प्रसमान वितरित होंगे और उनका प्रायिकता घनत्व फलन इस प्रकार परिभाषित होगा तो किसी भी संयुक्त प्रायिकता प्रसमान प्रायिकता घनत्व फलन का परिभाषा निर्भर करती है अभी थोड़ी सी मेरे से यहाँ पे भूल हो गई है इस चीज़ को आप यहाँ पे ही देखिए, चूँकि हम ये जेड्लू ए के संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन को लिख रहे हैं ये इसके लिए है तो यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए जैसा कि हमने पूर्व में निकाली लिया है कि इन दोनों का जोड़ हो गटाओ ये जेड डब्लू जो है जोड़ हो गटाओ है एक्सवाई के इनका औसत का मान हमें दस प्राप्त हुआ था और इसके वितरण का मान हमें जो प्राप्त हुआ था ये भी थोड़ा मुझसे भूल हो गई है सात और तीन जो कि आप पूर्व का देख सकते हैं और इसके बाद जो इसका प्रयुक्ता गुणांक होगा उसका मान जो है हमने तीन बेटा साथ निकालना है इसमें तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो नए हमें या चर प्राप्त हुए हैं इस रूपांतरण से रैखिक रूपांतरण से उनके प्रायिकता घनत्व की व्याख्या हमने कर दिया तो आइए एक और प्रश्न की ओर चलें। तो यह उदाहरण इस प्रकार है कि हम जो एक्स वाई जो कि हमें पता है कि संयुक्त रूप से प्रसामान्य है शून्य औसत के साथ इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि यह दिखाइए कि एक्स पर प्रतिबंधित y का प्रायिकता घनत्व फलन निम्न प्रकार से व्यक्त होता है अभी तक हम दो याचिक के संयुक्त और सीमांत घनत्व फलनों की व्याख्या कर रहे थे अब हम प्रतिबंधित फलनों की भी व्याख्या करेंगे तो यह एक प्रश्न है उसके लिए कि अगर हमें ये प्रतिबंधित कि y की, की प्रायिकता घनत्व जो कि x पर के मान पर प्रतिबंधित है इस प्रायता घन का हम इस प्रकार लिख सकते हैं जबकि ये दोनों संयुक्त रूप से प्रसामान्य है बाकी यहाँ पे जो प्राचल इस्तेमाल हुए पूर्व के प्रश्न के अनुसार इनकी व्याख्या हो ही चुकी है तो ये सब इनके अर्थ सामान्य है मतलब सिग्मा एक्स जो है एक्स या चर का औसत का प्रसामान्य विचरण है मानक विचरण है और सर आर जो है प्रसंसों गुणांक है और बाकी सब आपको विदित है क्योंकि शून्य औसत है तो यहाँ पे म्यू एक्स जो है और म्यू वाई जो है उसका मान यहाँ जीरो ही है तो आइए इस प्रश्न को देखें ये थोड़ा सैद्धांतिक प्रश्न है जो कि इस की व्याख्या जो है हम आगे भी प्रश्न में करेंगे तो आइए इस प्रतिबंधित घनत्व की गणना करें तो जैसा कि आपको ज्ञाति है कि अगर x पर प्रतिबंधित अगर याचिक घनत्व को परिभाषा होती है तो ये परिभाषा इस प्रकार होती है हमने पहले भी इस परिभाषा को आपके सामने प्रस्तुत किया था कि अगर कोई भी स्वप्रतिबंधित प्रायिकता जो होगी किसी भी याचिक चर के दूसरे याचिक चर के यहाँ जो होगी वो निम्न प्रकार से लिखी जा सकती है तो इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पे होगा निकालने के लिए इस प्रायिकता चूँकि हमें यह प्रायिकता घनत्व निकालना है जो कि हम निकालना चाहते हैं तो हमें पहले संयुक्त प्रायिकता पता होनी चाहिए और जिसके सापेक्ष के हमने प्रतिबंध लगाया है उसकी हमें सीमांत प्रायिकता घनत्व या उसका प्रायिकता घनत्व भी चाहिए होगा या सीमांत प्रायिकता घनत्व उस संयुक्त फलन से भी निकाला जा सकता है तो आइए हम ये देखें कि अगर या चिक्चर एक्स और वाई संयुक्त रूप से प्रसामान्य है शून्य सौ के साथ तो उनका संयुक्त तो प्रायिकता घनत्व फल लिखा जा सकता है जो कि आप पहले भी देखा है हमने इसको लिखा था हमने पुनः इसको लिख दिया आपके सामने लेकिन अब हमको इस प्रश्न में पूर्व से थोड़ा अलग तरीके से इसको विन्यासित करना पड़ेगा क्योंकि हमारी इच्छित प्रायिकता जो है वो एक प्रतिबंधित प्रायिकता है उसको हम प्राप्त करते हैं संयुक्त प्रायिकता घनत्व में को भाग देकर जो प्रतिबंध है x के सापेक्ष तो उसके प्रायिकता घनत्व से तो यह है संयुक्त तो प्रायिकता घनत्व उस दशा में जब शून्य औसत है जो हमारे चर जो उसमें एक दिन के लिए लिखा गया है संयुक्त तो प्रायिकता घनत्व अब हम यह व्याख्या आपको विदिधि है तो अब हम उपरोक्त में जो धाती व्यंजक है इसको ऋण चिन्ह छोड़कर कर ये सारा यहाँ से यहाँ तक ऋण चिन्ह छोड़ के इस ऋण को छोड़कर बाकी सारा ये जो व्यंजक है इसको हम किसी तरह से विन्यासित करेंगे जिससे कि हम इच्छित प्रतिबंधित प्रायिकता घनत्व पल की गणना आसानी से कर सकें तो आपको थोड़ी देर में विदित ही हो जाएगा कि हम कैसे इसको विन्यासित करना चाहते हैं तो इसको देख रहे हैं ये संबंध मैंने यहाँ लिख दिया है अब अब इसको हमने विन्यासित करने के लिए सबसे पहले इसके हर को समान किया तो इसके हर अलग अलग के विचरण है और इस तरह हमने हर को समान करके अब अंश में इस तरह का व्यंजन प्राप्त कर लिया अब जब ये हमने ऐसा कर लिया तो अगले पटल पर हम देखते हैं कि इसको हम पुनः थोड़ा और विन्यासित कर सकते हैं वो विन्यासित यह है कि हमें प्राप्त करनी है प्रायिकता घनत्व फलन या चिक्चर वाई का सापेक्ष एक्स के मान के तो हम इसको विन्यासित करते हैं y के घातीय फलन में तो चूंकि y का गुणांक सिग्मा x स्क्वायर है आप देख सकते हैं पूर्व में जाके फलन में ये सिग्मा x स्क्वायर है जब हमने इसको समान हर बनाया इस सभी भिन्नों का तो हम y को सिग्मा x के घात दो से गुणा करना पड़ा तो इसकी घात को हमको इकाई बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको इसको एक प्रायिकता घनत्व फलन y का बनाना है तो वो हमने वही उसी और हम जा रहे हैं हमने इसे इसमें से सिग्मा एक्स घात दो को बाहर ले लिया इस कोष्टक के तो आप देख ले सब सारे पदों में हमने इस सिग्मा एक्स के घात दो से भाग दे दिया तो हमें पूर्व का अंश में जो, जो व्यंजक है वह प्राप्त हो गया हर ऐसे ही है जो हमारा समान हर था सारे भिन्नों का उसको हमने समान कर दिया था तो यह अब आप देख सकते हैं कि ये ऐसा करने से हम इस पद को काट सकते हैं तो इस पद को काटने से हमारा व्यंजक जो है वो ऐसा तो परिवर्तित हो जाएगा यह जो गुणांक होगा एक भागा जो ये पद लिखा है ऐसे ही और अंदर यह जो हमारा व्यंजक मिला है उस व्यंजक में पुनः हम इसमें इन दो पदों को जोड़े और घटाएंगे ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पूर्ण गुणांक बनाना चाहते हैं व्यंजक y के सापेक्ष लेते हुए तो आप देख सकते हैं यह बड़े आसानी से दो भागों में तोड़ा जा सकता है ये सारे पदों को हमने यहाँ लिख दिया और यहाँ से यहाँ तक के तो पदों को ये दूसरा पद प्राप्त हो गया तो इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको विदित ही हो जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं इन दोनों को अलग अलग हमने इससे गुणित कर दिया और उस गुणित को करने के बाद जहाँ की यह एक पूर्णांक हो गया वाई ऋण ये सारे पद का पूर्ण का वर्ग तो ये हमको एक प्राप्त हो गया हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यह हमारे घाती जो हमारे प्रसमान्य या चर का जो रईता घनित है उसमें जो घाती पद है उसको किसी वर्ग के रूप में होना चाहिए हमें पता है तो हम उसी की ओर हमने बनाया ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह है एक्स के वर्ग है यहाँ वाई और ये इसके साथ कुछ और पद के साथ ये भी वाई का वर्ग है और ये एक्स का वर्ग है तो ये दोनों प्रसमान्य याचिक चर के घनित के विन्यास के अनुसार है तो इन दोनों को थोड़ा सरित करेंगे आप ये देख सकते हैं कि तो हमें यह प्राप्त हो जाएगा तो अब आप इस पद की ओर देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यह तो एक होगा जब x एक गौ वितरित है शून्य औसत और जिसका की विचरण जो है वह सिग्मा एक्स के घाट तो होगा बाई तरफ जो पद है वह है एक चर वाई का जिसका की औसत यह पद है और जिसका कि विचरण जो है ये आपके सामने लिखा है तो यह भी एक वाई के रूप में एक गाती है जो आप देख सकते हैं कि ऐसा हो जाने के बाद अगर हम ऐसा लिखते हैं तो अब हम लिख सकते हैं याचिक चल एक्स के सीमांत प्रायिकता घनत फल जो होगा वो गौसी होगा ये हमको पहले से पता है तो मतलब उसका हम घनत फल आपके आसानी के लिए मैंने पुनः लिख दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी घनत फल से हमको जो कि संयुक्त घनित में भाग देना है तो इसीलिए हमने जो संयुक्त के उसको इस प्रकार विन्यासित किया कि उसमें एक पद इस तरह का निकल के आ जाए जैसा कि आपने पूर्व पटल में देखाई देखाई है तो अब अगर हम इस संयुक्त प्रायिकता घनित में अगर एफ एक्स सीमांत एक्स के प्रायिकता घनत्व से भाग करेंगे तो यह पद जो है जो हमारे संयुक्त पद में यह पद जो था यह पद निरस्त हो जाएगा और हमें क्या बच जाएगा हमें पद बच जाएगा जो कि यह इस पर ही आधारित होगा जो आप देख सकते हैं प्रश्न में जो हमें जो फलन दिया हुआ था जो प्रतिबंधित फलन दिया था वाई का एक्स के सापेक्ष तो वह उसी के हिसाब से वह एक प्रसमान चर का घंथ निकल जाता है तो अब आपने देखा कि यह तो हो गया प्रश्न में एक छित प्रयुक्त घनत्व के विन्यास को प्राप्त करने की आइए इस परिणाम की कुछ व्याख्या कर लेते हैं वो व्याख्या इस प्रकार है कि यात्रिक चर एक्स और वाई संयुक्त रूप से प्रासामान्य है अगर गैर शून्य औसतों मतलब अब यहाँ पे यात्रिक चरों का स्वयं का जो औसत मान है वो शून्य नहीं है मानिए कि उसका मान म्यू एक्स और म्यू वाई है तो उस दशा में भी जो सप्रतिबंध प्रायिकता फलन उपरोक्त की ही भांति होगा उपरोक्त मतलब जो प्रश्न में दिया है उसी की भांति होगा अगर हम वाई और एक्स को क्रमशः वाई ऋण सिग्मा वाई और एक्स ऋण सिग्मा एक्स से प्रतिस्थापित कर दें तो आपको यह हमने जो परिणाम था उसको थोड़ा और साधारण कर दिया कि दूसरे शब्दों में एक्स के किसी भी एक्स के लिए यह संबंधित प्रायिकता घनत्व गौसी वितरित होता है औसत मान जो कि आप देख सकते हैं कि औसत मान क्या है ये औसत मान हमने पूर्व में निकाला था जब औसत मान शून्य था तो यह मान ऐसा निकल के आया था अब एक्स के साथ और अभी ये परिवर्तित हो गया कि इसमें एक्स को हमने एक्स ऋण सिग्मा एक्स लिख दिया और इसके जो विचरण पे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ तो जो हमने विशेष मान निकाला था ये कि औसत शून्य हो वह गणनाओं को आसानी से करने के लिए था लेकिन जब निकालने के बाद हम उसको और साधारण बना देते हैं और देखते हैं ये कि तर्क से कि यह वही विन्यास हमको मिलेगा पलन में तो इस प्रकार हम इन परिणामों का इस्तेमाल आगे किसी और समस्याओं के हल के लिए कर सकते हैं आइए इसी के साथ अंतिम उदाहरण को लेते हैं आज की परिचर्चा के लिए कि मान लीजिए एक अज्ञात याचिक प्रवस्था या आंग्ल भाषा में फेस थीटा जो कि अंतराल शून्य और दो पाई के बीच में है उसका मान में एक समान रूप से वितरित है तो अगर हम एक रूपांतरण सोचें कि अगर हमें एक याचिक चर आई जो कि एक जो प्रवस्था है जो फेज है उसके साथ इस तरह से जुड़ा है जहाँ x का मान एक गौसी वितरित चर है जिसका कि औसत शून्य है और जिसका विचरण सिग्मा घात दो है तो तब प्रतिबंध प्रायिकता घनत्व निकालिए प्रवस्था का जबकि आर का मान दिया हुआ हो यह समस्या बड़ी ही साधारण है और संचार व्यवस्थाओं में और अन्य कई क्षेत्रों में जब भी हम किसी भी मान की घटना करते हैं इस तरह के प्रायता हमेशा हमको इसका हल निकालना पड़ता है तो आइए हम व्याख्या करें इस प्रश्न की इसकी व्याख्या बहुत ही परिणाम लाभकारी है तो कि प्रारंभ में याचिक चर्प जो प्रवस्था का याचिक चर्प जिसको कि हमने थीटा से इंगित किया है के बारे में लगभग कुछ पता नहीं है केवल यही पता है कि वह एक समान वितरित है एक अंतराल जिसका कि जो भी मान दिया हुआ है चीरों से शून्य से लेकर टू पाई के बीच में तो यह खाली यही पता है कि वह एक समान वितरित है और कुछ ज़्यादा नहीं पता है अब हम कह रहे हैं कि हम एक और दूसरे याचिकचर की रचना कर रहे हैं जो कि इस याचिकचर जो कि प्रवस्था थीटा है से संबंधित कैसे है वह संबंधित इस प्रकार है ये संबंध आपको दिया ही वह प्रश्न में तो इस संबंध की व्याख्या आप इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम थीटा को एक पर्यवेक्षण माने जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन है आंग्ल भाषा में पर्यवेक्षण माने और एक्स को रव का योगदान समझे रव जिसको कि अंग्रेजी भाषा में नॉइज बोलते हैं अगर हम कोई पर्यवेक्षण लेते हैं तो पर्यवेक्षण के दौरान हमारे पर्यवेक्षण में कुछ रव या नॉइज़ भी सम्मिलित हो जाती है तो यह आप देख सकते हैं कि हमारी इच्छा तो ये व्यवस्था के बारे में जानने की है लेकिन जब हम उसके बारे में कुछ पर्यवेक्षण करते हैं तो परिवेक्षण के दौरान हमारे पर्यवेक्षण जो है पर्यवेक्षण में कुछ राव मिल जाते हैं, हैं जो कि गासी वितरित है जो कि प्रश्न में एक्स के वितरण की परिचर्चा पहले ही की है वह शून्य औसत का गासी वितरित याचिक्चर है तो अब आप देख सकते हैं कि ये ये यहाँ पे एक तरह से दो याचिक्चर को हमने योग कर दिया ये एक सामान्य वितरित है और यह एक घास वितरित है और हमें इससे क्या नया जो याचिक प्राप्त होगा उसके बारे में क्या हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं वो कैसा वितरित होगा तो अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि एक पर्यवेक्षण है पर्यवेक्षण में ये रव का योगदान है तो हम ये मान सकते हैं कि जो थीटा जो कि एक समान वितरित हमने किया है और जो हमने ये आर चर आर निकाला है जो कि पूर्व परिभाषित है यह दोनों स्वतंत्र रूप से यात्रिक क्षण माने जाएंगे ये इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं होगा अगर हम ये मानते हैं तो हम बड़े आराम से यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि चूँकि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार थीटा एक स्थिरांक है चूँकि वह एक समान वितरित है किसी अंतराल में से दो पाई के बीच में तो ऐसी दशा में याचिक याचिक रूप से आर का व्यवहार एक्स के समान ही होगा क्योंकि एक्स एक शून्य औसत का प्रसमान याचिक है और थीटा एक स्थिरांक है क्योंकि उसका मान कोई स्थिर ही होगा और इस तरह जो आर होगा वह भी उसी तरह से ही याचिक रूप से उसको व्यवहार करेगा जैसे कि एक्स करता है तो हम इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह प्रति संबंध पर जो प्रायिकता घनत्व फलन होगा वो भी गासी वितरित होगा लेकिन अब गासी वितरण का जो औसत होगा वो औसत बदल जाएगा जो हमारा जो याचिक प्रवस्था है जिसको कि हमने ग्रीक भाषा के बड़े अक्षर से निंगित किया है और यह उसका एक कोई विशेष मान है जिसको कि ग्रीक भाषा के छोटे अक्षर से इंगित किया है यह परंपरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं या चिक्षणों को लिखने की और भी कुछ परंपराएं हैं इस तरह से लिखा जा सकता है इसको तो अब आप देख सकते हैं कि इस चूँकि याचिक्चक जो थीटा प्रवस्था का कोई भी मान जो थीटा होगा तो नया याचिक्चर जो होगा उसका वितरण जो होगा वह भी गासी होगा लेकिन उसके औसत का मान अब थीटा हो जाएगा और यहाँ पे उसके विचरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा वो पूर्व की भांति सीमा के घात दो ही रहेगा तो इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब हम इस स्थिति में हैं इसको ये तो हमने केवल तर्क से हमने इसके बारे में किया बट यह तर्क जो है अब हम इसके फलन की भी गणना कर सकते हैं तो आइए इस फलन को माने कि हमें पता है कि बेज की प्रमेय जिसकी हमें पूर्व में भी चर्चा करी थी जब हम याद चिक्चरों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आर के किसी दिए गए मान के लिए थीटा की पश्च प्रायिकता पोस्टीरियर प्रॉपर्टी आंग्ल भाषा में का घनत्व फलन दिया जाता है निम्न प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह एक पश्च प्रायिकता घनत्व फलन है जबकि हमने आर के बारे में पता है जो हमारे याचिकार आर क्या मान लेता है पता है तब हम निकालने एक दूसरा याचिकार जो प्रवस्था है जो थीटा है वो उसके घनत्व फल की तो यह है कैसे परिभाषित है यह आपको पहले से ही पता है कि ये नीचे का पद जो है आप देख रहे हैं इसमें यह पूर्ण प्रायिकता है या टोटल प्रोबेबिलिटी है जिसकी कि व्याख्या हमने पूर्व में करी थी तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं तो चूँकि हमें इस प्रश्न में जो अभी तक के तर्क थे उस तर्क से हम बहुत आसानी से इस सप्रतिबंध प्रायता घन की गणना कर सकते हैं क्या हमें यह पता है कि यह एक एक समान वितरित प्रायिकता घनत्व फल है तो इसका मान जीरो सेट पाई में वितरित होने के लिए एक बटा दो पाई होगा और यह एक गासी है ये हमको दिया ही हुआ है कि ये गासी है यह घास की वितरित है और यह हम थीटा के सारे मान की अगर हम चूँकि थीटा का मान जो है शून्य और दो पाई के बीच में होता है तो अगर हम इसका समाकलन कर देंगे तो हमें यह प्रायिकता मिल जाएगी हमारे चर आर की सारे मान की तो वो उससे हम इसे भाग दे देते हैं तो इस तरह से हमें इसे प्रतिबंध प्रायिकता घर धर्ण की प्राप्ति हो जाती है तो अब आप समझ ही गए होंगे इस व्याख्या से कि यह एक स्थिरांक है चूँकि यह दोनों हम निरस्त कर सकते हैं जो कि समाकलन के बाहर चलाएगा नीचे के पद में यह जी, इसका मान एक बटा दो पाई होगा तो आसानी के लिए वो पद लिखा नहीं गया है और जहाँ तक आर का प्रायिकता घनत्व की बात है थीटा के किसी मान के लिए तो वह हमें पता है कि हमने पहले चर्चा की है वह भी एक गांसी होगा हो जिसका औसत मान तीता होगा जो कि है और उसका विचरण जो है वो गांसी वितरण जो है हमको दिया है एक्स उसी के हिसाब से ही विचरण तो आप देख सकते हैं ये सीधे वो लिख दिया गया एक बटा दो पाई हम इसके लिए लिख सकते थे लेकिन ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे तो हमने उसको लिखा और फिर इसी पद की हमने समाकलन किया चूँकि ये तो ये तीता का विशेष मान है थीटा के सारे मान वितरित हैं जीरो से दो पाई के बीच में तो उसके लिए हमने उसको समाकलन कर दिया तो इस समाकलन को अगर हम अगर हल कर लें तो हमें इस पश्च प्रायिकता घनत्व फलन की प्राप्त हो जाएगी तो इसको हम हल करने की ओर नहीं जा रहे हैं मान लीजिए कि अब जब भी आप इसको थीता के करेंगे तो हमें एक स्थिरांक मिलेगा आर के संबंध में मान लीजिए वह स्थिरांक को हमने ऐसे इंगित किया है तो आप देख सकते हैं कि यह हो गया प्रायिकता घनत्व फलन यह स्थिरांक आर में आएगा और इसको हम इससे गुणित कर देंगे और ये तो हमारे पास प्रसाण दिया है तो ये हमने सैद्धांतिक रूप से प्राप्त कर लिया प्रायिकता घनत्व फलन जब इस प्रतिबंधित प्रायता घनत्वन के लिए आइए हम इस परिणाम की थोड़ी व्याख्या करें जो कि हमें काफ़ी ज्ञान प्रदान करेगा हमारे लिए संभव है अगर हम पूर्व प्रायिकता घनत्व थीटा हमारी जो प्रवस्था है वो आरंभ में हमने अनुमान लगाया कि वह एक एक समान वितरित चर है जो इसी अंतराल में लेकिन अब हम ने परिवर्तन किया कि जब हम या हम देखें कि जब हम प्रवस्था के बारे में कुछ मेजरमेंट कर रहे थे तो उसके दौरान अब जो हमने पर्यवेक्षण कर रहे थे उस पर्यवेक्षण के दौरान हमें जो पर्यवेक्षण प्राप्त हुआ उसमें थोड़ा रव भी मिला हुआ है और रव का मान क्या है उसके प्रायिकता फलन आपको दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि इस प्रतिबंधित प्रयक्ताघ्रंत फलन है और ये पूर्व प्रायिकता घन है ये पूर्व है और यह है पश्चिम प्रायिकता घन इन दोनों फलन को क्या हम चित्रित कर सकते हैं अगर हम चित्रित कर सकते हैं तो हमें उससे कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होगी तो आइए हम अगले पटल पर देखें कि इन दोनों प्रायिकता पूर्व प्रायिकता और पश्च प्रायिकता जो हमारे जो चर थीटा की है उसको हम चित्रित कैसे करें तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि पूर्व प्रायिकता शून्य और दो पाई के बीच में एक समान वितरित या चर है तो आप देख सकते हैं उसका मान एक बेटा दो पाई होगा कोई भी ये तीता के इस अंतराल में कोई भी मान लेने की प्रायिकता जो है एक बड़े ज़्यादा उपाय होगी परंतु जो पश्च प्रायिकता है घनत्व फलन है उसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि दिखा रहा है ए, मैं एक पटल पीछे जाके आपको दिखाता हूँ कि यह एक वितरित है जिसका कि औसत मान यहाँ पर दिख रहा है आपको यह थीटा है जो भी थीटा की वैल्यू है और यह इसका वितरण है और यह एक स्थिरांक है जो कि हमने निकाला है आर के संबंध में तो आप समझ सकते हैं यह स्थिरांक है और यह इसका आपको पता है कि इस फलन का कैसे चित्रण होगा यह एक उल्टी घंटी के रूप में या इन्वर्टेड बेल अंग्रेजी में जिसको कहते हैं उस तरह का होगा तो आप देख सकते हैं कि यह एक उल्टी घंटी या घंटी की तरह से है और जिसका की मान जब थीटा आर है वहाँ पे से गुणित है और अगर इसे हम लिखेंगे तो यह प्रायिकता घनत्व इस तरह से चित्रित होगा तो और यह प्रायिकता घनत्व है जब थीटा का तो आप देख सकते हैं थीटा के दो प्रायिकता घनत्व एक जब हमको कुछ नहीं पता है उस दशा में हमने केवल के ये माना है कि वह थीटा के खाली जीरो से और तू के बीच में होने की संभावना है लेकिन कुछ हमने जब पर्यवेक्षण किए उसके बाद जो थीटा का जो घनित है वो परिवर्तित हो गया वो क्योंकि अब हमने जो पर्यवेक्षण किया उस परवेक्षण की वजह से प्रायिकता घनित में भी में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन कैसे चित्रित है आपके सामने तो आइए इसकी व्याख्या इस प्रकार करें कि पर्यवेक्षण में प्राप्त जानकारी का प्रभाव पश्च प्रायिकता फलन में निहित होता है क्योंकि पश्चिम प्रायुक्ता फलन आंग्ल भाषा में पोस्टेड प्रॉपर्टी जब हमें आर का मान पता है अगर आर का मान हमें पता है तो हमें यह भी पता है कि थीटा का मान क्या है और रव में जुड़ा हुआ है लेकिन हाँ में थीटा का मान होती तो है चूंकि रव की औसत प्रायिकता शून्य मानी है तो जो भी थीटा का मान होगा वो रव के जो विचरण होगा फलन होगा प्रायिकता फलन वह उस पर में ही निहित होगा और वह क्या होगा कि जैसा कि उपरोक्त में दिखाया गया है कि यह तो इसका मान हो गया पश्च प्रायिकता की लेकिन पूर्व प्रायिकता का मान ऐसा है जो कि एक सपाट होता है जो आप देख रहे हैं कि वह सपाट है थीटा के किसी भी मान के लिए प्रायिकता हमेशा स्थिर रहती है लेकिन यह प्रायिकता थीटा के मान के साथ बदलती रहती है और जब थीटा का मान आर जहाँ पे होगा जो कि हमने परीक्षण किया है वहाँ पे प्रायिकता बढ़ जाएगी क्योंकि यह जो घनत्वफल फल होता है वो इस तरह का ही होता है जिसमें कि उसका मान उसके मध्य में ही ज़्यादा होगा उसके पूछ की तरफ जो है जो हमारे घनत्वफल फल की पूछ के जो अलग है भाग है उसका प्रायिकता का मान कम ही होता है तो यह परिणाम हम इसको और स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि पश्च प्रायिकता प्रायुक्तापरण यह दर्शाता है कि जब भी थीटा का मान आर के समीप होगा आर क्या होगा जो हमने जो पर्यवेक्षण किए हैं उसमें जो उसका मान निकल गया कि समीप होने पर संभावना उच्चतर होती जाएगी अन्य मानों की तुलना में तो आप देख सकते हैं कि जब हमें किसी भी चीज़ की कोई जानकारी नहीं होती है तो हम साधारणतः एक, एक समान वितरण मानते हैं लेकिन जैसे जैसे हम पर्यवेक्षण करते हैं हमारी जानकारी उस अज्ञात चीज़ के बारे में बढ़ती जाती है और करते करते अब अगर हम तो उसका प्रायिकता घनत्फल जो हमने पर्यवेक्षण लिए है उसके सापेक्ष निकालें या उस पर प्रतिबंधित करेंगे तो वह प्रायिकता अचानक ऊंची हो जाएगी वह उच्चतर हो जाएगी और वह जब मान जो हम देख रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा होगी तो यह ही तरीका है जिससे कि हम किसी भी अज्ञात या शिक्षक और किसी भी अज्ञात संख्या का या कोई भी जानकारी के बारे में पर्यवेक्षण करके जानकारी को और अच्छी कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो है अनुमान जो है वो और सटीक होता चला जाएगा तो आशा है कि आज के परिचर्चा में जो प्रश्नों की पर, हमने इसमें परिचर्चा की वो आपके लिए लाभकारी होंगे इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ नमस्कार